हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है, वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो आज एक बड़ी अपडेट है एसएससी सीजीएल को लेकर के, जहाँ पर 36,000 पदों पर भर्ती होने वाली है और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए यहाँ पर तो आप सभी लोग इसको देखें, उसके पहले अगर आप लोग सीटेट 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल की लिंक है, जाकर आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर डेली बिल्कुल फ्री जो है आपको सीटेट की तैयारी कराई जा रही है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप लोग उसको जरूर देखें। तो फिलहाल यहाँ पर जो अपडेट आई है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर सीजीएल को लेकर के अपडेट है और सीजीएल 2022 को लेकर अपडेट है। उसकी जो है यहाँ पर जो रिवाइज्ड वैकेंसी है उसको जारी कर दिया गया है और बताया गया है कि 36,001 पदों पर होगी भर्ती। परीक्षा का जो अंतिम परिणाम है वो इसी माह जारी हो जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से लिए जा चुके हैं विकल्प। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में 36,001 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने बृहस्पतिवार को पदों की संख्या जारी कर दी है। परीक्षा का अंतिम परिणाम इसी माह जारी हो जाएगा। आयोग ने सीजीएल की भर्ती 8 महीने में पूरी करके नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बार सबसे अधिक पद का भी रिकॉर्ड बनेगा। एसएससी की सीजीएल 2022 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने वाला है। मुख्य परीक्षा में भाग ले चुके अभ्यर्थियों से 5 मई तक विकल्प लिया जा चुका है। इस बार इन अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन एसएससी नहीं करेगा, पद के सापेक्ष अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। अभिलेखों का सत्यापन नियुक्ति देने वाला विभाग करेगा। तो यहां पर ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि इसमें कितने पद हैं, पूरा का पूरा विवरण जो है कल जारी कर दिया गया। 36,001 पद हैं, जिसमें से कितने ईडब्ल्यूएस के हैं 3798, 8336 जो है ओबीसी के लिए हैं। ठीक है, सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हो। तकरीबन 38 लाख छात्र इसमें फॉर्म भी डाले थे, तो फॉर्म भी बहुत ज्यादा पड़ा था इसमें। चलिए अगली अपडेट जो है उसको भी आप देख सकते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा में उत्तर कुंजी जारी। एसएससी ने बृहस्पतिवार को सीएपीएफ, जिसको आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस में एसआई 2022 का द्वितीय परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। एसएससी की वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है। प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति के लिए अभ्यर्थी ₹100 शुल्क जमा करके 13 मई तक आपत्ति भी दाखिल कर सकते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और दिव्यांग प्रमाण पत्र होने पर ही ले सकेंगे श्रवण यंत्र, यानी कई सारी नोटिस कल जारी हुई थी एसएससी की तरफ से। अगली अपडेट की बात करते हैं तो यूपी में सिपाहियों की खेल कोटे से भर्ती जून से होगी। यहाँ पर एक भर्ती की बात की गई जो कि खेल कोटे से होने वाली है, और इसको पहले पढ़ते हैं फिर हम लोग और बात करते हैं। लिखा है, यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 345 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के तहत 345 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जून माह में भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर आर के विश्वकर्मा ने बताया कि नागरिक पुलिस में कांस्टेबल के 318 और विशेष सुरक्षा बल में कांस्टेबल के 27 पदों को मिलाकर कुल 345 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन बोर्ड को प्राप्त हो गया है। खेल कोटे में कांस्टेबल के 234 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी में सिपाहियों की खेल कोटे से भर्ती होगी। बाकी आपको हम बता दें कि लगभग 35,000 पदों पर भर्ती पुलिस में होने वाली थी, लेकिन उसकी टेंडर प्रक्रिया वापस हो गई। दोबारा टेंडर के काम उस पर चल रहा है, अभी उसकी वैकेंसी नहीं आई है। जो आपकी आपने देखा होगा, जो आपकी जो भर्ती होने वाली थी 35,000 पदों पर अध्याचन मिला था, लेकिन अभी उसका काम थोड़ा विलंब है। तो हमें तो लग रहा है पहले खेल कोटे से भर्ती होगी, उसके बाद वो भर्ती जो है निकल कर आएगी। तो जैसे भी इंफॉर्मेशन होगी वो तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ही। चलिए अगला है कि 174 डेंटल सर्जन भर्ती होंगे। प्रदेश में जल्द 174 डेंटल सर्जन की भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए अध्याचन पर उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने अभ्यर्थियों की आयु सहित अन्य अर्हताएं तय कर दी है। आवेदन करने वालों की न्यूनतम आयु 22 साल होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि न्यूनतम एज अगर आपकी 22 साल है तो 174 डेंटल सर्जन की भर्ती होगी। अगर आप इनकी योग्यताओं को मैच करते हैं तो आप लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट है, पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा का डेट जारी कर दिया गया है। परीक्षा 23 तारीख से होगी और प्रवेश पत्र भी इसका जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन 2022 की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। यह परीक्षा 23 से 25 मई तक होगी। इसके लिए प्रयागराज और लखनऊ में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3-3 घंटे की परीक्षा प्रतिदिन 2 पाली में होगी। अभ्यर्थी को 6 प्रश्न पत्र हल करेंगे। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा और फिर पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा सुबह 9:30 से 12:30, दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। 23 मई को सुबह पाली में सामान्य ज्ञान और दूसरी पाली में अंग्रेजी भाषा की परीक्षा कराई जाएगी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने कितने लोगों ने फॉर्म डाला है, क्या है कैसा है, पूरा का पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। एडमिट कार्ड भी इसका जारी कर दिया गया है, तो अगर आपको एडमिट कार्ड देखना है तो आप इनकी साइट पर जाकर आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पर और भी एक अपडेट है, इसको भी देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की अपील भी खारिज। आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए सफल 24 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द कर दिया था। इसमें से 13 ने आयोग में अपील की थी। आयोग ने उनकी अपील पर विचार किया
विचार के बाद पाया कि उनकी अपीलीय प्रत्यावेदन में कोई नया तथ्य नहीं है, इसी कारण उनकी अपील भी खारिज कर दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट है। आगे बात करें अगली, तो रेलवे में जो है यहाँ पर अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित होंगे। रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने इस बाबत 13 मई को सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों और रेलवे भर्ती बोर्डों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि लेवल 1 में चतुर श्रेणी जैसे गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी, पॉइंटमैन आदि खाली पदों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेवल 2 में जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क सहित गैर राजपत्रित पदों में 5% आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी। तो ये यहाँ पर बताया गया कि जो लेवल 2 है उसमें 5% और जो यहाँ पर लेवल 1 है उसमें 10% का आरक्षण जो है यहाँ पर इनको दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। CISF में महिला कांस्टेबल भर्ती पर विचार किया जा रहा है। नई दिल्ली से अपडेट है कि CISF में पुरुषों के समतुल्य कांस्टेबल या चालक और कांस्टेबल चालक सह पंप ऑपरेटर के पद पर महिलाओं की भर्ती पर विचार किया जा रहा है। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय में यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 सप्ताह का यहाँ पर जो नियम है, जो गाइडलाइन बनानी है, उसके लिए समय मांगा है। और ये कहा है कि CISF में महिला कांस्टेबल पर भी भर्ती का विचार किया जाएगा। आगे बात करते हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के। और यूपी स्कॉलरशिप आपको पता होगा कि यूपी स्कॉलरशिप लगभग जो है बजट खत्म हो गया है और जनरल ओबीसी की स्कॉलरशिप अब लगभग नहीं मिलेगी। एससी और एसटी की स्कॉलरशिप अभी भी मई और जून के महीने में आ सकती है। बात करते हैं कि स्कॉलरशिप में घोटाले को लेकर के, तो अपडेट है कि 2000 बाबू 10 साल में बना करोड़पति, यानी 2000 का बाबू जिसने 2000 पर नौकरी की थी 10 साल में वो करोड़पति बन गया। कैसे बन गया देखो यहाँ पर। छात्रवृत्ति घोटाले में हाइजिया के कर्मचारी रवि प्रकाश गुप्ता के खिलाफ मिले कई ठोस सबूत। छात्रवृत्ति घोटाले में फंसे हाइजिया एजुकेशनल ग्रुप के फार्मेसी कॉलेज का एक बाबू 10 साल में करोड़पति बन गया। 2000 रुपए से नौकरी की शुरुआत करने वाला रवि प्रकाश गुप्ता ने हाइजिया के संचालकों के साथ मिलकर ऐसा जाल बुना जिससे ग्रुप की रोजाना की कमाई लाखों रुपए तक पहुंच गई। हाइजिया ग्रुप और रवि के आवास पर ईडी के छापों से खुलासा हुआ कि छात्रवृत्ति घोटाले की रकम का बंदर बांटकर बेशकीमती संपत्तियों को खरीदा गया। रवि ने राजधानी की जानकीपुरम में आलीशान घर भी बनाया है। सूत्रों के मुताबिक हाइजिया ग्रुप पर पड़े छापों में अब तक 80 से ज़्यादा संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। इनमें से अधिकतर संपत्तियां ईडी की गिरफ्त में आए इजहार हुसैन जाफरी उर्फ हनी जाफरी के नाम है। कई संपत्तियों के दस्तावेज ऐसे भी मिले हैं जिनके बेनामी होने की आशंका है। वहीं रवि प्रकाश के जानकीपुरम स्थित आवास पर मंगलवार को मारे गए छापे में कई संपत्तियों के दस्तावेज के अलावा बैंक खातों में लाखों रुपये जमा होने के प्रमाण मिले हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हाइजिया के 50 से ज़्यादा कर्मचारियों को तलब भी किया गया है। मेन चीज़ यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर इन लोगों का जो खेल था, छात्रों के मुंह बंद कराने के लिए बांटे पैसे 8 से 10 हज़ार रुपये दिए गए। छात्रवृत्ति हड़पने को लेकर विद्यार्थी कभी सवाल ना उठाएं, इसके लिए संस्थानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले 0 फीस पर एडमिशन लिया, जब छात्रवृत्ति आई तो 8 से 10 हज़ार रुपये भी उनके खाते में भेज दिए और मोटी रकम खुद हड़प ली। छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग और केंद्र के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से आई। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से प्रति छात्र 1,57,000 रुपये छात्रवृत्ति ली गई। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में हाइजिया संस्थान के प्रशासन छात्रवृत्ति घोटाले का मास्टरमाइंड है। खेल की शुरुआत उसी ने की थी। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर कितने लेवल पर जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप का जो घोटाला है वो किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी जिन बच्चों का स्कॉलरशिप आना चाहिए उनका फॉर्म वेरीफाई है, फिर भी उन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।